अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में चमकी बुखार को लेकर लगातार प्रशासन मुस्तैद और इसी को लेकर मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार को लेकर AES को लेकर जिला प्रशासन के 5 डिजिटल वाहनों को रवाना किया गया। DM प्रणव कुमार ने हरी झंडी देकर इन वाहनों को रवाना किया। SDO पूर्वी वाहन में खुद बैठकर इसका प्रचार करने निकले। AES चमकी बुखार से कैसे बचे इसका वीडियो डिजिटल तौर पर रथ में लगाया गया है ताकि इसका प्रचार प्रसार किया जा सके और गांव-गांव जाकर डिजिटल तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सके। सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा डिजिटल वाहन की चमकी बुखार से प्रभावित क्षेत्र में LED स्क्रीन पर प्रदर्शित फुटेज के द्वारा लोगों को जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है, किस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है, जिसको लेकर जागरूकता लगातार फैलाई जा रही है। चमकी बुखार को लेकर के जिला प्रशासन इस पर संकल्पित है कि हम लोगों को यथासंभव इस बीमारी से बच्चों को ग्रसित नहीं होने देना है और इसको लेकर के जन जागरूकता का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हर एक पंचायत में हमारे पदाधिकारी लगातार जा रहे हैं और प्रचार प्रसार के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। हम लोगों ने पैम्फलेट बंटवाए हैं, गाँव में चौपाल लगाया जा रहा है और हर एक माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो और बच्चों को गर्मी में बाहर न निकलने दिया जाए, कच्चे फलों को खाने से रोका जाए ताकि इस तरह की जो चमकी बुखार के लिए जो मुजफ्फरपुर में हर साल ये बात आती है उससे रोकथाम हो सके। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 350 से भी अधिक लोकेशन पर वीडियो वैन आज रवाना किया है जिसमें वीडियो फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। हर एक वीडियो वैन शाम के समय में ये कार्यरत रहेगा और इसको आज हम लोगों ने झंडी दिखाई है। ये इस बार पहली बार ये प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं ताकि एक एक व्यक्ति को इसकी जानकारी हो जाए। हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों को और डिफरेंट एजेंसीज के माध्यम से भी जागरूकता का क्या स्टेटस है, क्या लेवल है पंचायतों में, इसकी भी हम लोगों ने जांच कराई है तो उसमें काफ़ी बेहतर हम लोगों को सकारात्मक परिणाम मिले हैं और लगभग सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है। दूसरी ओर हम लोगों ने चिकित्सा व्यवस्था को